तो ये भी देखो प्यारे बच्चों, ये भी एक आसान सवाल है, और इस आसान सवाल में कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर पॉसिबल है वो है 14 मिली वोल्ट, ठीक है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर पॉसिबल है वो है 6 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़े होंगे तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला हम सबसे पहले हम पढ़े हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक रेशियो है। रेशियो किसका किसका? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है ना। तो ये जो कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। और इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और माइनस ए मिनिमम एम्पलीट्यूड और डिवाइडेड बाई टू और डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड और डिवाइडेड बाई टू। कुल मिला के मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस एम्पलीट्यूड मिनिमम डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्लस एम्पलीट्यूड मिनिमम, ठीक है। यहाँ से तो यह जाएगा 14 माइनस 6 यहाँ से और 14 प्लस 6, तो 14 माइनस 6 यहाँ से आ जाएगा 8, और डिवाइड करोगे इसको तो यह आ जाएगा 20, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब 0.4 मॉड्यूलेशन इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, मतलब 0.4, मतलब ये अपना सेकेंड ऑप्शन सही है, दिस वन इज़ द करेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।